वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में मैं एक बहुत ही छोटा सा लेक्चर आपको देने वाला हूँ अबाउट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो इस लेक्चर में हम थोड़ी सी हिस्ट्री स्टडी करेंगे कंप्यूटर्स के बारे में। यूनिट वन आपका कोर्स का उसमें थोड़ा सा पोर्शन है जो मैं चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा उसको देख जरूर लें। तो आज का जो एजेंडा है वो है टू लर्न अबाउट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, अ लिटिल हिस्ट्री, वट एवर द डिफरेंट चेंजेस इन कंप्यूटर्स, एवोल्यूशन किस तरीके से हुई है आपके कंप्यूटर्स की जो आप प्रेजेंट डे में देख रहे हो, कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन जो है कंप्यूटर्स की उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक बहुत ही पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस से, हम इसको एबकस कहते हैं। ये डिवाइस जो है ऐसा माना जाता है कि 2200 BC में यूज़ की जाती थी। चाइनीज़ अभी भी इसको यूज़ करते हैं कई जगह पे, और ये बहुत ही एफिशिएंट डिवाइस है कैलकुलेशन करने के लिए। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि ये बहुत ही अर्ली स्टेज की डिवाइस थी जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती थी। दूसरी जो डिवाइस जो कि कंप्यूटर्स की तरह आप उसको कंसीडर कर सकते हो, ये था पास्कल लाइन, डिवेल्प्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन बी पास्कल। तो रादर कंप्यूटर्स के अलावा ये मोस्ट प्रॉब्ली एक कैलकुलेटर टाइप का था, तो इस पे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया आपका वो आया था मैथमेटिशियन चार्ल्स बैबेज की तरफ से, और उन्होंने एक ऐसी मशीन क्रिएट की थी जिसको आप फर्स्ट कंप्यूटर मान सकते हैं, और उस मशीन का नाम था डिफरेंस इंजन। और डिफरेंस इंजन जो है सबसे बड़ी खासियत इसकी ये थी कि ये एक ऐसी मशीन थी जिसको आप प्रोग्राम कर सकते थे, इसीलिए हम जनरली कहते हैं कि चार्ल्स बैबेज जो था ये आपका फादर ऑफ कंप्यूटर्स था, क्योंकि ऐसी मशीन बनाना जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं यही वो एक थॉट था जिसने शायद आगे चल के आजकल के प्रेजेंट कंप्यूटर्स को शेप करना शुरू किया था। तो ये आपके पास है चार्ल्स बैबेज का डिफरेंस इंजन। लेटर ऑन उन्होंने एक और डिवाइस भी बनाई थी जिसको एनालिटिकल इंजन कहते थे, थोड़ा सा एडवांसमेंट थी उसमें। तो इसमें जो आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट गियर्स और नंबर्स देख रहे हो, आप इनको रोटेट करके डिजायर्ड कंप्यूटेशन जो है परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन अगर आप देखोगे कि कंप्यूटर्स जो है उस वक्त चार्ल्स बैबेज के डिफरेंस इंजन से आजकल के अगर आप माइक्रोप्रोसेसर की बात करेंगे तो हम बहुत बहुत आगे बढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी। तो हम जनरली क्या करते हैं कंप्यूटर्स को उनकी जनरेशंस के अकॉर्डिंगली हम स्टडी करते हैं। तो हर जनरेशन आप देखोगे एक नई डिस्कवरी के साथ शुरू होती है, और वो डिस्कवरी जो है आपके कंप्यूटर्स को प्रोपेल करती है एक बहुत ही डिफरेंट आप बोल सकते हो इन्वायरमेंट में। तो ऐसी बहुत सारी डिस्कवरीज रही हैं जो बेसिकली आपके कंप्यूटर्स को आजकल के प्रेजेंट शेप में लाने में जिन्होंने बहुत हेल्प की थी। इसलिए हम जनरली देखते हैं कि हम कंप्यूटर्स को किसी एक पर्सन को हम क्रेडिट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं था कि कंप्यूटर को डिस्कवर किसने किया या इन्वेंट किसने किया, नहीं, बहुत सारी डिस्कवरीज रही हैं और हर डिस्कवरी का एक कंट्रीब्यूशन रहा है आपके कंप्यूटर्स के लिए। तो हम जनरली एक जनरेशन में उन कंप्यूटर्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जनरेशन आपके पास है 1945 से 1956। इस जनरेशन की अगर मैं बात करूं कंप्यूटर्स की तो इनकी खासियत ये थी कि ये यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स को। जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर्स एक डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, तो हम जनरली आपके कंप्यूटर्स के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको वन और जीरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स है ये काम करती थी। तो आप देख सकते हो कि ये जो कंपोनेंट था जो कि रिस्पॉन्सिबल था कंप्यूटर्स के बाइनरी कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरीके के आपके पास कंप्यूटर्स जो थे वो आपको उस वक्त मिलते थे, है ना, बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स जो कि शायद 0-1 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते थे। आप इनका साइज देख सकते हो, एंटायर रूम को कवर कर लेते थे, और नॉट टू मैंशन क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स हैं ये बिल्कुल आपके जो घर के छोटे से बिजली के बल्ब होते हैं उनकी तरह रहता था, तो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। तो ऐसे कमरे में रखना पड़ता था जो थोड़े से एरी हो, हवादार हो और बहुत बड़े बड़े हो। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1956 से 1963, एक
छोटी सी इन्वेंशन जिसने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया, और वो था कि इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स बेसिकली एक बहुत ही यूनिक डिवाइस थी, और बेसिकली आप सोच सकते हो कि ये बिल्कुल वही काम करती थी जैसा कि आपके वैक्यूम ट्यूब करती थी, बट ये बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम करते थे, बहुत ही छोटे होते थे और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होते थे। तो जैसे ही आप अपने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करने लग गए इस तरह के छोटे छोटे डिवाइसेस से, तो आपके कंप्यूटर्स में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आए। ये कंपैरिजन है एक वैक्यूम ट्यूब का एक ट्रांजिस्टर से, तो आप कंपैरिजन में देख सकते हो कि वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर का साइज में कितना बड़ा फर्क था। तो इससे वो जो आपके कंप्यूटर जो आपने पीछे देखे थे है ना, वो इतने छोटे हो गए कि आप उनको एक कॉर्नर में अपने रूम के वहां पर रख सकते थे। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1964 से 1971 रेवोल्यूशन हैपन बिकॉज द इन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये आपके पास ऐसी डिवाइसेस थी जिनके अंदर आप बहुत सारे ट्रांजिस्टर जो है एक बहुत ही छोटे स्पेस में पैक कर सकते थे। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे वो प्रोड्यूस करने के लिए बहुत चीप थे और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल थे और ड्यूरेबल थे। तो अगेन इन्होंने आपके कंप्यूटर का साइज जो है और भी ज़्यादा छोटा कर दिया, और इनको बनाने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी हो गई। अब आप बहुत सारे फीचर्स जो है ऐड कर सकते हैं कंप्यूटर्स में। तो ये आपके पास एक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर देखते हैं बिल्कुल वैसे लग रहा है, लेकिन अगेन इस कंप्यूटर की जो कंप्यूटेशन पावर है वो इसके पिछले जनरेशन के मुकाबले बहुत 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 ज्यादा थी। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1971 से आप प्रेजेंट तक मान सकते हो उसको। इंट्रोडक्शन टू LSI एंड VLSI। VLSI इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड LSI इज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये वो टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आप एक सिलिकॉन चिप को यूजिंग लाइट टेक्नोलॉजी आप उस पर बहुत ही छोटे छोटे ट्रांजिस्टर जो है क्रिएट करते हो। तो जनरली आप देखोगे ये जो छोटी सी चिप है आपके पास, ये बहुत सारे कंपोनेंट को अपने अंदर जो है वो क्रिएट कर सकती है और स्टोर कर सकती है। तो हम इसे VLSI कहते हैं। तो इससे आपका क्या हुआ कि आपके कंप्यूटर का साइज जो है और भी ज़्यादा छोटा होने लग गया, और वो बहुत ही कम पावर कंज्यूम करते थे। तो शायद अब आपको कंप्यूटर उस शेप में शायद दिखने लग जाए जिनकी आपको शायद आदत है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इवन मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप। ULSI जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, जहाँ पे आप ट्रांजिस्टर्स को नैनो स्केल पे पैक कर सकते हो। आजकल एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम SoC कहते हैं, सिस्टम ऑन ए चिप। तो आपके पास एक चिप आता है और उस चिप के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम आपका इंटीग्रेटेड होता है, जिसमें आपके पास प्रोसेसर भी होता है, रैम भी होती है, दूसरी डिवाइसेस होती हैं इंक्लूडिंग वाईफाई या नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है ये तभी पॉसिबल है जब आप बहुत ही छोटे स्केल पे ट्रांजिस्टर्स को क्रिएट कर सको। तो जो आप प्रेजेंट डे डिवाइसेस देखते हैं आपके मोबाइल हैंडहेल्ड मोबाइल्स जो हैं, टैबलेट्स जो हैं, ये यही टेक्निक यूज करती है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि कंप्यूटर्स जिस प्रेजेंट डे शेप में है वो बेसिकली बहुत ही लंबी और बहुत ही आप बोल सकते हो डिफरेंट टेक्नोलॉजी की वजह से है। बहुत सारी आपके पास टेक्नोलॉजी ने कंट्रीब्यूट किया है कंप्यूटर्स के साइज को एक पूरे के पूरे कमरे से रिड्यूस करके आपके हाथ में पहुंचाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि हर जनरेशन जो कंप्यूटर है उसकी खासियत थी और एक टेक्नोलॉजी पे वो काम करते थे, और जैसे जैसे हमें नई टेक्नोलॉजी मिलती गई हम नई जनरेशन कंप्यूटर्स में वो मूव करते गए। इस पूरी जनरेशन वाले टॉपिक के जो मैंने आपको बताया, मैंने एक चीज़ जानबूझ के छोड़ दी है यहाँ पे, तो वो जो चीज़ है वो आपके लिए अब असाइनमेंट रहेगी, और असाइनमेंट आपके पास है व्हाट वर द एडवांसमेंट इन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प कंप्यूटर डेवलपमेंट। अगर आप देखोगे जो मैंने आपको अभी जनरेशन बताई, मैंने सिर्फ हार्डवेयर के बारे में बात की है, जैसे फर्स्ट जनरेशन में आपके पास वैक्यूम ट्यूब थी एंड सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर थे, लेकिन सिर्फ हार्डवेयर में ये एडवांसमेंट नहीं हुई थी, सॉफ्टवेयर्स में भी एडवांसमेंट्स हुई थी। कहाँ पहले हम मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे, फिर हम असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते थे। तो ये आपके लिए अब असाइनमेंट है, तो आपने बनाना है कि हर जनरेशन जो आपके पास कंप्यूटर्स की थी तो सॉफ्टवेयर फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी। यही आपके पास जो असाइनमेंट है वो उसको मैं पोस्ट भी करूँगा आपके गूगल क्लासरूम में, तो आपने इस असाइनमेंट को अटेम्प्ट करना है।